लिटिल बुलबुल को काफी जोरों की भूख लगी थी। वो जंगल में भोजन ढूंढ रही थी, लेकिन उसे कहीं भी भोजन नहीं मिलता है। वो एक पेड़ पर जाकर बैठ जाती है। उसी पेड़ पर कालू कौवा बैठकर रोटियां खा रहा होता है। लिटिल बुलबुल सोचती है, अरे मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है और ये कौवा रोटियां खा रहा है, मुझे कहीं भोजन नहीं मिला। अगर मुझे ये कौवा रोटियां दे दे तो मेरा पेट भर जाएगा। ऐसा कहकर लिटिल बुलबुल कौवे के पास जाती है। अरे कालू दोस्त, आजकल तो तुम बहुत सुंदर लग रहे हो, तुम्हारे सामने तो कोई भी पक्षी सुंदर नहीं लगता। और तुम सब पक्षियों से काफी बड़े भी हो, तुमसे तो सारे पक्षी डरते होंगे। तुम्हें तो अपने लिए भोजन भी नहीं ढूंढना पड़ता होगा, तुम तो पक्षियों को डरा धमका कर भोजन ले लिया करते होगे। हाँ हाँ, लेकिन मैं तो किसी पक्षी को डराता नहीं, बल्कि सबके साथ मिलजुल कर रहता हूँ। मैं अपना भोजन खुद ही ढूंढता हूँ। क्या कालू भाई, आप इतने बड़े होकर उन पिग्गी पक्षियों के साथ दोस्ती करते हो? आपको तो उन्हें डरा कर रखना चाहिए, उन पर अपना राज जमाना चाहिए। अरे मैंने तो इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं। तुम ठीक कहते हो, मैं तो इतना बड़ा हूँ और बाकी पक्षी सब मुझसे छोटे हैं। मैं उन पर अपना राज कर सकता हूँ, मुझे इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं। कालू भाई, आप इतने बड़े हो, इतने अच्छे हो, तो आपका दिल भी काफी बड़ा होगा और आपका स्वभाव भी अच्छा होगा। आप अपनी ये रोटी मुझे दे दो, मुझे भी बहुत जोर से भूख लगी है। लिटिल बुलबुल कौवे को अपने बातों में ले लेती है। कौवा अपनी तारीफें सुनकर उस रोटी को लिटिल बुलबुल को दे देता है और वो लिटिल बुलबुल की बातों को सोचने लगता है। अरे ये चिड़िया ठीक कह रही थी, मुझे इतना मेहनत करने की जरूरत ही क्या है। मैं पक्षियों से अपना दाना छीन सकता हूँ, मुझे रोज भोजन ढूंढने की तो जरूरत ही नहीं है। टुनटुनी चिड़िया अपना भोजन लेकर जा रही होती है। कालू कौवा उसे रास्ते में रोक उससे उसका भोजन ले लेता है। अरे चिड़िया, तुम मुझसे छोटी हो ना, तो तुम मुझसे डर कर रहो, वरना एक चपेट दूंगा तो तुम्हें चक्कर आने लगेंगे। मुझे तुम्हारा भोजन चाहिए, अपना भोजन दो और यहाँ से जाओ। मैं तुमसे बड़ा हूँ, तुम तो एक पिद्दी सी चिड़िया हो, मैं तुमसे क्यों डरूंगा। तुम्हें मुझसे डर कर रहना चाहिए और अपना भोजन मुझे दे दो, अपने लिए खुद से जाकर दूसरा भोजन ढूंढ लो। चिड़िया कौवा की बातों से डर जाती है और अपना भोजन उसे दे देती है। अब कालू कौवा इसी तरह सभी पक्षियों को डरा धमका कर उसकी भोजन छीन लेता। जंगल के सभी पक्षी कालू कौवे से बहुत परेशान हो गए थे। कालू कौवे को अपने बड़ा होने का बहुत घमंड होने लगता है। वे एक दिन चील के घोंसले के पास चला जाता है और उससे भोजन लेने का सोचने लगता है। अरे मैं तो बेकार में डर रहा हूँ, मैं चील से छोटा थोड़े ही हूँ कि मैं चील से डरूंगा। मेरा साइज भी चील इतना है, तो मैं इससे क्यों डरूं, मैं चील से मुकाबला कर सकता हूँ। मैं जाकर अभी इसे डराता हूँ और इसकी भोजन लेता हूँ। ऐसा कहकर कालू कौवा चील के पास जाता है और उससे भोजन मांगने लगता है। अरे जिगरबाज, मैं तुमसे डरता नहीं, मैं कोई छोटा मोटा पक्षी नहीं हूँ, मेरा साइज भी तुम्हारे इतना है, मैं भी तुम्हारे भर का हूँ, इसीलिए मैं तुमसे नहीं डरता। मुझे अपना भोजन दे दो और तुम्हें भी मुझसे डर कर रहना चाहिए। अरे कौवे, तुम्हारा दिमाग वमाग खराब तो नहीं हो गया जो मुझसे उलझने चले आए? मैं तुम्हें अभी सबक सिखाता हूँ। चील कौवे की बातों से बहुत गुस्सा हो जाता है और उसे अपने पंजों में फंसाकर जमीन पे जोरों से पटकता है, फिर उसे उठाता है और झाड़ियों में फेंक देता है। कौवा काफी घायल हो जाता है। अरे मुझे कोई बचाओ, मुझसे गलती हो गया जो मैं चील की बराबरी करने चला गया। मैं
इस तरह कौवा अपने किए पे पछताने लगता है और फिर दोबारा कभी उसे अपने बड़ा होने पे घमंड नहीं होता।